चलानी ना चलानी, कैसे नहीं चलानी, ऐसे कैसे नहीं चलानी, चलानी है। तो गाइस अब फाइनली डेजर्ट में आए हैं और GoPro के साथ एक हिट हो चुकी है। मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या हिट हुई है, बट फिलहाल हम डेजर्ट में आए हैं तो अब हर चीज़ एंजॉय करेंगे। तो फिलहाल ये राइड कर रहे हैं एवी और आई होप नया साल आप सभी को, नया साल आपके सारी इच्छाओं को पूरा करे। मैं बटन खुल गया, इतना उछल उछल कर रहा था। तो मैं GoPro का बता रहा था, उसका जो SD कार्ड है वो करप्ट हो चुका है। तो अब जब तक उस SD कार्ड को फॉर्मेट करके सारा डाटा रिकवर नहीं करते तब तक तो मुश्किल है। बट ठीक है यार, अब चुनौतियाँ आती रहेगी, झेलना चाहिए बस उनको। और फिलहाल इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, अगर उसका सोच के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप अपना ही मूड ख़राब कर रहे हो। पर्टिकुलरली जिस मोमेंट में आप हो उस मोमेंट को आप इंजॉय करो। फॉर्च्यूनर के यही तो असली मज़े है, 4x4 लोड लगाओ और फिर चलाओ यहाँ पे। भाई यार कसम से क्या मज़ा आ रहा है, मतलब डेजर्ट एरिया में कैमल राइडिंग का भी अलग मज़ा है और जो थार में मतलब चलने का मज़ा है वो भी अलग ही है। मतलब हर एक चीज़ ना नेक्स्ट लेवल है। और अब बाप रे 12 बजा दी बट फिलहाल चलते हैं ज़रा एक AV की राइड लेने के लिए, तो वहीं मिलते हैं आपसे। तो जैसा हमने सोचा था वैसा एक्सपीरियंस हमको नहीं मिला, क्योंकि इसको एक साइड में खड़े भैया चला रहे थे, हम तो सिर्फ बच्चे की तरह बैठे हुए थे। और मैं आपको भी यही बोलूँगा कि कभी आप यहाँ पे आओ और इस चीज़ का ट्राई करने का सोच रहे हो उसको, तो पहले आप पूछ लेना कि आपको चलाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप नहीं चलाओगे तो आपको मज़ा नहीं आने वाला, अगर आप चलाओगे तो बेशक बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हालांकि मेरे वाले भैया तो अच्छे थे, मेरे बोलने पर उनने मेरे को फुल कंट्रोल दे दिया था गाड़ी पर, पर मोहित की किस्मत ख़राब थी, उसको उसके ऊपर भरोसा ही नहीं था भैया को, तो आखिरी तक उसको पकड़ के बैठे रहते कहते हैं गाइस कभी भी ऐसी गाड़ी लेके मत आओ जो चल नहीं पाए रेगिस्तान में, तो ये फंस जाती है। बट ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि हमारी भी गाड़ी फंस चुकी है। बट मेरे को भरोसा है कि हाँ ये गाड़ी निकल जाएगी, बट उसका भरोसा नहीं है कि वो निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। बाकी हाँ जिंदगी के मजे मिल गए उनको और एक अक्ल भी मिल गई कि कभी भी एक टू व्हील ड्राइव उसको कभी लेके नहीं आने का। फिलहाल हमारी भी गाड़ी फंसी हुई इधर। वो आ गए डिजायर वाले,
निकाल ले फंस गई फिर से। हमारी गाड़ी निकलने वाली पर इसकी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। पता नहीं क्या सोच के ले आते हैं यहाँ पे। कौन सा 4x4 है? ये 4x4 है सही में, पीछे का टायर तो घूम नहीं रहे, 4x4 बोल रहे उसको। निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कन्नौट की ओर, वहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर है और वहाँ पे एक माता मंदिर भी है, तो माता जी के दर्शन भी कर लेंगे। तो डायरेक्ट मिलता है आपसे वहीं पे। ओके मिली, और उसके बाद हम रामगढ़ आए और यहाँ पे हमको एक बहुत बड़ा टावर देखने को मिला। फाइनली हम कन्नौट माता मंदिर पहुँच चुके हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे भी युद्ध के दौरान जो बम गिराए गए थे वो आज भी यहीं हैं, वो आज भी फूटे नहीं हैं, और माता जी की कृपा थी कि वो जो बम थे वो विस्फोट नहीं हुए, तो वो आज भी इसी के अंदर ही रखा गया है। और यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स भी है, इसका नाम है श्री मातेश्वरी तन्नोट राय मंदिर। मेरा नाम राजेश्वर है, ये श्री मातेश्वरी तन्नोट राय मंदिर है। सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद बॉर्डर तरफ देखते हैं। तो इस मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि 1965 में यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा 3000 बम गिराए गए थे। हाँ, 3000 बम गिराए गए थे, जिसमें से कुछ मंदिर के परिसर में भी आए थे, और माता जी की कृपा थी कि उन 3000 बम में से एक भी बम ब्लास्ट नहीं किया। और इसको देख के ब्रिगेडियर चंगेज खान हक्के बक्के हो गए थे, वो खुद यहाँ पे पांव पैदल दर्शन करने के लिए आए थे और साथ में चांदी के छत्र भी लेके आए थे। वो माता जी से माफ़ी भी मांगे, और जब वो दर्शन कर लिए, जब बाहर आए तो लोगों को उनने यही बोला
कि इन माता जी के पास अनोखी शक्तियाँ हैं। ये मंदिर आर्मी से मानते हैं सर, भाई लाइन तो बहुत बड़ी है। जी हाँ, ये वही बम है जो कि आप अभी देख रहे हो, जो कि पाकिस्तान से डाका गया था। हालांकि इसको थोड़ा पेंट वेंट कर दिया है ताकि ये पुराने ना दिखे और इनमें से बारूद भी निकाल दिया गया है, पर ये उस चीज़ का सबूत है और उसी चीज़ का गवाह है कि माता जी का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ, उनके जवानों के साथ हमेशा बना रहेगा और माता जी किसी का भी बाल भी बाका नहीं होने देगी और किसी पर भी आँच नहीं आने देगी। जय माता दी। और माता जी का दूसरा नाम रुमाल देवी भी, क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहाँ आके रुमाल बांध के जाते हो तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है, जब पूरी हो जाए तब यहाँ आके आप एक कोई सा भी रुमाल लेके जा सकते हो। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि दो कारणों से, पहला वहाँ पे लोगों ने रुमाल के साथ साथ मास्क भी बांध रखे जो कि इस कोविड के समय में थोड़ा सा वियर्ड है, और दूसरा वहाँ पे क्लियर लिखा है कि कृपया करके यहाँ रुमाल ना बांधे, इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने रुमाल नहीं बांधा तो मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। मैंने अपने दिल से मन्नत ज़रूर मांगी माता जी से, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी मन्नत तभी पूरी हो सकती जब आपका दिल अच्छा हो, जब आपका मन सच्चा हो, क्योंकि कोई भी देवी देवता आपकी मन की अच्छाई, दिल की सच्चाई देखते हैं, ना कि आपके रुमाल की क्वालिटी देखते हैं। गाइस सैडली हम बॉर्डर तो नहीं जा पाएंगे, हम थोड़ा लेट हो गए 5 मिनट। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी हम कर रहे थे, या तो हम बॉर्डर तरफ जा सकते थे या हम दर्शन कर सकते थे, क्योंकि आरती शुरू होने वाली थी तो मंदिर को सब बंद करने वाले थे और इसको क्लीन करने वाले थे। तो ठीक है, दर्शन मिल गए वही बहुत है, और अभी हमारा पता नहीं क्या प्लान है कहीं जाने का, देखते आए हैं तो कहीं बॉर्डर नहीं तो कहीं आसपास ही अच्छी जगह देख लेते घूमने फिरने के लिए। ठीक है, युद्ध स्थल पे आए हैं और यहाँ पे म्यूजियम भी है, और ये दोनों पता नहीं किस बात को लेके हंस रहे हैं यहाँ पे सामने। तो से हेलो सोनू एंड मोहित। तो हम आए थे लोंगेवाला म्यूजियम में और यहाँ पे हमको आर्मी से रिलेटेड अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स देखने को मिले। हालांकि लोंगेवाला इस चीज़ के लिए फेमस नहीं है, फेमस है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए, जिसमें भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई थी और पाकिस्तान को दुम दबाकर पीछे भागने पे मजबूर कर दिया था। एंड आई गेस कि लगभग ये स्टोरी सबको पता ही होगी, पर जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो पाकिस्तान ने योजना बनाई भारत के ऊपर हमला करने की, और वो भारत में कमज़ोर जगह ढूंढना शुरू कर दिया था, और उसको कमज़ोर जगह मिल भी गई थी लोंगेवाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 120 सोल्जर्स ही थे, जो कि सही था, वाकई में यहाँ पे 120 सोल्जर्स ही थे। और फिर पाकिस्तान ने योजना बनाई रात में हमला करने की, ताकि बीच में एयरफोर्स भी दखलंदाजी ना करे, क्योंकि उस टाइम पे फाइटर जेट्स के पास नाइट विज़न नहीं था। और इसके बाद पाकिस्तान ने ये सोचा था कि हम रातों रात 120 सोल्जर्स को गायब करने के बाद सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोंगेवाला में करेंगे, दिन का लंच हम रामगढ़ में करेंगे और रात का डिनर हम जैसलमेर में करेंगे। बट उनको ये नहीं मालूम था कि उनके नसीब में लंच और डिनर तो छोड़ो, ब्रेकफास्ट भी नसीब नहीं है, उनके नसीब में तो सिर्फ गोला बारूद लिखा है। और ये सब के बाद पाकिस्तान चल देता है भारत के ऊपर हमला करने के लिए। जब भारत को मालूम पड़ता है तो भारत लोंगेवाला की पोस्ट को खाली कराने का बोल देता है। जब बात मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी, जो ऑन ड्यूटी वहाँ लोंगेवाला की पोस्ट पे थे, उनको मालूम पड़ती है तो वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे हम पोस्ट खाली कर दें, हम बिना लड़े तो नहीं जाएंगे यहाँ से। और उनका यही बुलंद फैसला भारत को एक जीत दिलाया था। इसके बाद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी ने देखा कि उनके पास सिर्फ 120 सोल्जर्स है, 2 RCL एंटी टैंक RPG जीप्स है, कुछ लैंड माइंस है एंड असॉल्ट राइफल्स एंड स्नाइपर राइफल्स ही है। और मेजर चांदपुरी जी को जब मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान की आर्मी कहाँ से एंटर करने वाली है, वो वहीं पे सारे लैंड माइंस लगा देते हैं। पर जैसे मैंने बताया उनके पास लैंड माइंस ज़्यादा नहीं थी, तो उनने लैंड माइंस की जगह पे टिफ़िन गाड़ दिए थे। यस यू हर्ड राइट, इन्हें टिफ़िन गाड़ दिए थे। और जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी फेंस तोड़ के अंदर एंटर करी,
ब्रिगेडियर तारिक मीर जो उनकी तरफ से थे पाकिस्तान की तरफ से, उनके सामने 4 से 5 टैंक ब्लास्ट करके उनको ये समझ देने लगी कि यहाँ पे सारी लैंड माइन्स बिछा रखी है। तो उन्हें जल्दी से पीछे से डिफ्यूज़र क्रू को बुलाया ताकि वो लैंड माइन डिफ्यूज़ कर सके। और काफ़ी समय बर्बाद होने के बाद, आधी रात होने के बाद, डिफ्यूज़र क्रू जाके तारिक मीर को बोलते हैं कि सर ये एंटी टैंक माइन नहीं है, ये तो टिफिन है और आपको दिया बनाया तुमको। और इसके बाद ब्रिगेडियर तारिक मीर बोले गजब तू भी आजाद। मीनवाइल बैक टू द स्टोरी, इसके बाद ब्रिगेडियर तारिक मीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था ये सुन के, तो उन्होंने अपनी सारी यूनिट्स को अलग अलग स्प्लिट होने को बोल दिया था और ये बोला था कि ये 120 सोल्जर्स अपने आपको समझते क्या है, इनको घेर लेते हैं। बट इनको ये नहीं मालूम था कि ये ऑलरेडी घेरा चुके हैं, क्योंकि ये जब तक माइंड डिफ्यूज़ कर रहे थे, सॉरी टिफिन डिफ्यूज़ कर रहे थे, तब तक मेजर कुलदीप सिंह जानपुरी जी इनको ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ यू शेप में घेर चुके थे। और क्योंकि इनकी यूनिट स्प्लिट हो चुकी थी तो कुछ यूनिट्स रेत में फंस गई, कुछ यूनिट्स पहाड़ ही नहीं चढ़ पाई, कुछ यूनिट्स वहीं की वहीं रह गई, कुछ यूनिट्स आ भी पाई तो इनको ये आने नहीं दे रहे थे, वो बहुत बुरा हाल चल रहे थे। और सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ हुआ है जीप का, जो RCL एंटी टैंक RPG जीप थी वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई थी इनको मार देने में। और उसके बाद जो यूनिट्स जिंदा बच गई वो आके तारिक मीर को बोलते हैं ऐसा नहीं बोला था, वो आके ब्रिगेडियर तारिक मीर को बोले थे कि सर यहाँ पे 120 सोल्जर्स तो है ही नहीं, यहाँ पे हमको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे हमारी तादाद से ज़्यादा सोल्जर्स है। सोचो ये हालत हो गई थी उनकी। और सुबह भी होने वाली थी तो जैसलमेर एयरबेस से हंटर फाइटर जेट उड़ान भरने की तैयारी ले ही रहा था, तो राह साहब अब उनकी 12 बजने ही वाली थी, एयरफोर्स भी अपने हाथ साफ करने ही वाली थी। आखिर में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, उनको हार माननी पड़ी और फिर उसके बाद भारत की जीत हुई, भारत का तिरंगा लहराया गया। और मेरा सल्यूट है सभी वीर जवानों को जिनने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, और मेरा सल्यूट है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को जिनने सूझबूझ से इस हमले को बहुत अच्छे से संभाला, अपना बुलंद फैसले को पे ही अड़े रहे, अमल करा उसको और भारत को एक जीत दिलाई। थैंक यू मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, सल्यूट टू यू। और ये जो आप टैंक देख रहे हो ये पाकिस्तान का टैंक है जो कि युद्ध में पूरी तरह से बुरा हाल हो गया था, इसको अभी रिस्टोर करके यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रख दिया गया है। हालांकि ये सब देखने के बाद मेरे को एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, आई नो कि ये फिल्म का एक सेपरेट फैन बेस है, बहुत सारा क्रेज़ है, बट वो फिल्म को लेके वो डायलॉग परफेक्ट है, बट ऑन रियल लाइफ ये जो डायलॉग है ये रियल लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाई होता है इंडियन सोल्जर्स के ऊपर। वो डायलॉग है पावरफुल पीपल्स मेक प्लेसेस मोर पावरफुल। तो चलो आज हम हटाते हैं इसे। बोलो तो हाँ, तो कंट्री पूरा तो दिखने दे, अभी तो वाई भी नहीं दिख रहा आखिरी का, वाई बोल रहा हूँ सीनी तो वाई तो घूमने रहे। ठीक है अब ठीक है, तो अब इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई ओनली रिग्रेट डैट आई हैव बट वन लाइफ टू लूज फॉर माई कंट्री। रिप्रिंट कर देना चाहिए ये, और युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक इन्हीं बंकरों में तैनात कर रखे थे। जी हाँ, आप जो सोच रहे हो ये वही है, ये है RCL एंटी टैंक RPG जीप जिसने पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक को धराशाही कर दिया था। और ये एक पाकिस्तानी टैंक है जिसका हाल आप देख सकते हो कि इसका हाल क्या किया है भारतीय सैनिक ने, और ये जैसा इसका हाल है वैसे का वैसा ही उस हाल पे इसको छोड़ दिया है। एक
रिकंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे लगा दिया गया है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया है जैसा था ये। और ये भी पाकिस्तानी व्हीकल है जो कि आया तो था पर वापस जा नहीं पाया और अब तो ये पड़े पड़े भंगार हो रहा है यहाँ पे। ये भी पाकिस्तानी था ना, वो भी पाकिस्तानी टैंक है ना। और इसको पबजी में M249 कहते हैं, वैसे अभी बुलेट्स नहीं है। चलो भैया कहीं तो आना वर्थ इट हुआ। मतलब अभी तक तेने कहीं घुमा ही नहीं। मतलब यहाँ पे मेरे को लगा था किसी दर्शन देख दर्शन करके अपन वापस जा रहे हैं सा। हाँ ये नकली है ना, जहाँ तक मुझे लगता है शायद नकली। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है इस टैंक के और बहुत बड़ा है। रुक जा रे।